बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आई होप आप सब खैर खरिया से होंगे और हम भी आपकी दुआ से अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज बाबा जी का जो टेस्ट है आज बली हुई थी, टाइम लिया हुआ था डॉक्टर से, तो आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से मैं तैयार हो गया हूँ और मेरे साथ मेरे अंकल जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम बाबा जी और उनको चूंकि उनके घर जा रहे हैं, चूंकि मैंने उनको कल ही कह दिया था कि आप 10 बजे रेडी रहना, हम आ जाएंगे और आपको ले जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला वहीं चलते हैं। मेरे अंकल भी साथ हैं, तो इंशाल्लाह वहीं चल के आपसे बात होती है। माशाल्लाह से अम्मा और बाबा दोनों ही तैयार थे और मैं भी इनके घर पहुँच गया था अपने अंकल को साथ लेके। तो हम यहाँ से रवाना होने से पहले मैंने सोचा, ये भी मुझे अंकल ने बताया कि डॉक्टर को एक बार कॉल कर लो, पूछ लो। तो जब मैंने कॉल की है तो डॉक्टर का जो वो नंबर लगाने वाले होते हैं जो बाहर बैठे रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर रात से जो है ना लाहौर चला गया है एक इमरजेंसी की सूरत में, तो इसलिए तो इंशाल्लाह उन्होंने हमें कहा है कि आप आज ना आओ कल आना, तो फिर हम इंशाल्लाह। अम्मा जी असा वाला हूँ कल जुलसो इंशाल्लाह। ठीक है, अब अगवि तो सा दस दो जी कल जुलसो। हाँ, ठीक है, और डॉक्टर लगा गया मैं कॉल की थी, तो इंशाल्लाह कल वाल इन टाइम जुलसो। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जो है ना तैयारी करके और अपने अंकल को भी साथ लेके गाड़ी वगैरह लेके हम आ गए थे, क्योंकि हमारा 10 बजे जो है ना नंबर था, तो हमने 11 बजे हमारा नंबर था, तो 10 बजे हम यहाँ से रवाना हो रहे थे। तो जब अंकल ने मुझे कहा कि एक कॉल ज़रूर कर लो, उनसे पूछ लो, अगर हम लेट भी हो जाएं तो हमारा, अगर हम लेट हो जाएं तो हमारे नंबर से अगर ऊपर चला जाए तो फिर हम आ रहे हैं, तो फिर हमें उसी वक्त नंबर देना। तो इसलिए जब हमने कॉल की है कि हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं, हम आ रहे हैं, तो फिर उसने कहा कि आपका नंबर नहीं था, अदरवाइज़ मैं आपको कॉल कर देता कि डॉक्टर जो है ना रात से जो लाहौर चले गए, तो इंशाल्लाह कल फिर हम चलेंगे। ठीक है अम्मा जी, दुआओं में याद रखो इंशाल्लाह। तो फिर अब मैं भी घर चलता हूँ इंशाल्लाह ताला, फिर कल इसी टाइम फिर इंशाल्लाह ताला हम चलेंगे बाबा के इलाज के लिए इंशाल्लाह। चलते हैं, मेरे अंकल मेरे साथ थे क्योंकि वो कार ड्राइवर हैं और रेंट पे जो है ना कार चलाते हैं, तो बस फिर अब घर चलते हैं इंशाल्लाह। मेरे अंकल हैं जिनको मैं साथ लेके आया था, तो ये रेंट पे कार चलाते हैं, तो इंशाल्लाह फिर घर चलते हैं और अल्लाह ताला के फजल व करम से इंशाल्लाह फिर कल चलेंगे। पैसेंजर कॉल ही करते हैं, तो कॉल पर जो है ना फिर किराया वगैरह इनका जो है ना डिसाइड होता है, तो फिर ये जहाँ से उनको लेना हो उठाना हो तो वहीं जाते हैं। अंकल जी, जी अब क्या किया जाए? अब घर जाएंगे इंशाल्लाह। अब घर जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला कल, अच्छा कल, अच्छा अच्छा, शुक्र ये है कि हमने कॉल कर ली है, है ना डॉक्टर को? मैंने तो तुझे अदरवाइज, क्योंकि सफर भी काफी ज्यादा है, पेट्रोल का गाड़ी का खर्चा भी आ जाता इस वजह से। अच्छा ए दसो, अब आप कुछ लेंगे तो नहीं? अब तो हम गए ही नहीं, किराया तो लेंगे इंशाल्लाह। आप भी किराया लेंगे? जी नहीं, आप तो किराया नहीं, हम तो अंकल कह रहे हैं किराया तो मैंने लेना है, किराया आपका हक है, चल इंशाल्लाह ताला। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि शुक्रिया, गर्मी बहुत, गर्मी काफी, एक तो गर्मी काफी ज्यादा थी और दूसरी बात ये है कि सफर ज्यादा था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो खैर है कि पेशेंट को जो है ना तकलीफ होती गर्मी में, तो हमने शुक्र है कि कॉल पहले कर ली, तो इसीलिए बचत हो गई है। अंकल जो है ना ये ड्राइवरी करते हैं, कितनी तनख्वाह है आपकी सैलरी? 11,000 इनकी है, 11,000 सैलरी है, 11,000 गुजारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, हलाल की। मैं इनसे पूछता भी रहता हूँ कि इनका एक ही बात फरमाना है कि हलाल की है 11,000 रुपए, तो मेरे बच्चे हलाल खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये काफ़ी है। और इसके अलावा कुछ ना कुछ और बचत वगैरह जेब खर्चा वो भी तो देते हैं आपको? नहीं। अच्छा और कुछ नहीं देते, बस सिर्फ 11,000 रुपया? 11,000 रुपया सिर्फ ये माशाल्लाह से लेते हैं, और इनके चार छोटे छोटे बच्चे हैं, और माशाल्लाह वो वीडियो में भी आप देखते हैं,
वो क्यूट से प्यारे से मेरे कज़न माशाल्लाह से, वो इनके ही बच्चे हैं। चूँकि ये तो घर कभी कभी आते हैं, ज़्यादातर जो है ना सफ़र में इनकी ज़िंदगी गुजरती है, तो इसलिए आज मैंने बाबा जी के लिए इनको जो है ना मैंने कहा था कि आज का जो किराया है वो मैं दूंगा, तो आज बाबा जी को जो है ना लेकर चलना है। तो मेरे ख्याल में अब तो मेरे अंकल हैं किराया नहीं लेंगे क्योंकि हम जा नहीं सके। तो 1000 रुपये का जो पेट्रोल डलवाया है वो बस ठीक है, 1000 रुपये का पेट्रोल हमने डलवा लिया है, तो इंशाल्लाह ताला वो, क्योंकि अब हम घर जा रहे हैं तो गाड़ी तो और कहीं जा नहीं रही, अगर कोई सवारी आ जाए फिर आप चले जाएंगे। तो अंकल का फरमाना है कि अगर किसी सवारी का पैसेंजर की अगर कॉल आ जाती है तो फिर मैं चला जाऊंगा, 1000 रुपये का जो पेट्रोल है तो वो उनके हिस्से में चला जाएगा, इनके अपने हिस्से में। तो हमारा 1000 रुपये का जो पेट्रोल है वो इस गाड़ी में डला हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर हम 10 बजे इंशाल्लाह ताला रवाना हो जाएंगे। अंकल के बेटे जो है ना वो जब इनके बाबा आते हैं तो जल्दी जल्दी से भाग आते हैं, उड़ो पे मन, उड़ो पे मन बेटे उधर जाओ जाओ। तो इनके बाबा जब भी आते हैं रात को हैं, ज़्यादातर जो है ना ये रात को आते हैं, फिर जो है ना दिन को इनको जो है ना चक्कर भी लगवाते हैं। इडो वाला जानी, इडो इडो मैं चढ़ावा आ, ये छोटा छोटा क्यूट सा, ओहो बिस्मिल्लाह। ये अंकल का छोटा छोटा बच्चा है माशाल्लाह से। चलो 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 चलो। चलो अंदर, तो घर में पहुंच गया हूँ।